12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज 5 टॉपिक अगर आपको इंग्लिश में तैयार है ना, आप भी पास हो जाओगे, अच्छा परसेंटेज इंक्रीज करोगे। लेकिन ये 5 टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। हाँ जी, आपने सही सुना भाई, वीडियो को पूरा देखना है, भागना नहीं इधर उधर, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने वीडियो को क्लिक किया ना तो वीडियो को अंत तक देखना है। मैं ऐसा चीज बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप इन्हें ये 5 टॉपिक तैयार कर रखे हैं ना, तो मैं बता खुद कह सकता हूँ आप अच्छे परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो, मतलब पास तो हो ही जाओगे। वो कौन टॉपिक है, क्या है, मतलब अब आपको ये समझ लीजिए किसी भी तरीके से पास होना है इंग्लिश में। इंग्लिश ऐसा विषय है भाई, कठिन तो है, आपको पास होना है। कौन टॉपिक कौन तैयार करें, कौन रिविजन करें, जिनका चांसेस ज्यादा पाई जाती है, तो करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, वो कौन टॉपिक है। पहली बात आपको समझना होगा इंग्लिश के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है। भाई इसमें आपका 4 भाग में बटा रहता है, जैसा कि दोस्तों सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये 4 भाग में डिवाइड होते हैं, है ना। जैसा कि दोस्तों पहले सेक्शन ए में अनसीन पैसेज होता है, जैसा कि दोस्तों 15 नंबर का होता है। हाँ जी, आपने सही सुना, मैं गारंटी वादा के साथ सकता हूँ, आप कुछ पढ़े भी नहीं है ना, तब भी आपका 15 नंबर आपके झोली में गिरेगा। 15 नंबर आपके हाथ में है, बस आपको हौसला रखना है। मतलब आप कहने की बात है, जी मैं भी पढ़ा भी कुछ नहीं हूँ, कैसे 15 नंबर पक्का, बस केवल आपको माइंड लगाना है। मतलब जो क्वेश्चन लिखा रहेगा ना, उसी में से आंसर ढूंढ ढूंढ करके लिखना है, मतलब आपको हेर हेर करके लिखना है, आपका 15 नंबर पक्का हो जाएगा। इसका मान चलिए 15 नंबर आपके पास है, बस आपको तरीके से लेना है, बस केवल। जैसा कि दोस्तों अनसीन पैसेज, मतलब सेक्शन ए के अंतर्गत 15 नंबर आपका पक्का रहता है, केवल करना क्या रहता है, आपको माइंड लगाना पड़ता है मेरे दोस्त। तो 15 नंबर आपका पक्का है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस केवल क्वेश्चन को सही से देखो, और जो अनसीन पैसेज लिखा रहेगा उसको सही से देखना है, वो आंसर मिलाओ लिखते जाओ, है ना, क्वेश्चन मिलाओ आंसर मिलाओ लिखते जाओ, बस यही करना है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ी बात क्या है, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में पास हो भाई। कोई बंदा इंग्लिश में जल्दी फेल नहीं होता है, फेल नाम की चीज हटा दीजिए, इंग्लिश में आप पास हो बस, ठीक। टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को, 15 नंबर आपका पक्का है। लेकिन कैसे पक्का होगा, जब आपको अच्छे से राइटिंग होना चाहिए प्लस, है ना, आपको करना क्या है, ढूंढ ढूंढ करके, मतलब उसी में से लिखना है, बस छोड़ना नहीं है, ठीक। ये मान चलिए 5 क्वेश्चन है, 5-15 नंबर पक्का करेगा। अनसीन पैसेज आपका पक्का है, मतलब मैं मान लिया आपका पक्का है। अब पढ़ता है राइटिंग, सेक्शन बी के अंदर दोस्तों राइटिंग होता है, जिसके अंदर दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक लेटर दिया जाता है, एक आर्टिकल, ठीक, दो लेटर तीन लेटर दिया जाता है, आर्टिकल दिया जाता है 3। अब रही बात कि सर लेटर कौन सा तैयार करें, कौन सा हम याद करें जो हमें लेटर वहां पर मिले। मैं चाहूंगा दोस्तों, लेटर अगर आप तैयार ही किए हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर आपको तैयार करना है, न्यूज पेपर पर आपको तैयार करना है, प्रिंसिपल पर रिक्वेस्टिंग वाला तैयार करना है। हाँ जी, आपने सही सुना, क्या भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है ना, और क्या आपका न्यूज पेपर से रिलेटेड, ठीक, आप क्वेश्चन बैंक में है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, है ना। और रही तीसरा नंबर क्या दोस्तों, आपको प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग वाला याद करना, ये अगर आप 3 याद करते हैं ना, गारंटी वादा के साथ कहता हूँ, यहाँ से आप 10 नंबर फोड़ोगे, 10 नंबर में लेटर पूछा जाता है। अब रही बात, मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए, अगर आप न्यूज पेपर पर याद करके गए ना, नहीं आया, या मान लिया आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर याद करके गए, या कुछ भी आप याद करके गए, दूसरा आ गया 2 मिनट के लिए, आप मान लीजिए, तो करना क्या है, जो आपको आ रहा वही लिख देना है, बस बस राइटिंग सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर न्यूज पेपर की बात हो रही है ना, न्यूज पेपर के, तो वहां पर जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर क्वेश्चन है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर हेडिंग पर जानी चाहिए अच्छी राइटिंग के साथ, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, नंबर तो मिलना ही मिलना, तरीके से काम करोगे तो नंबर मिलेगा, ये समझ लीजिए। इंग्लिश ऐसा है ना, इंग्लिश में तरीका बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो 10 नंबर आपका पक्का है, बस आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, अंदर से मजबूत हो, बस आपका 10 नंबर पक्का है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहली बार टेंशन लेने को नहीं भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश में आपको कोई डर नहीं होनी चाहिए, मेन डर तुम लोग को खराब कर देता है बस। अब बात करता दोस्तों, अब इसमें क्या है, आर्टिकल, जैसा कि दोस्तों 10 नंबर पूछा था, रही बात क्या कि आर्टिकल तैयार कौन सा करें, ठीक, 3 आर्टिकल दिए जाते हैं, अथवा करके उसमें से 1 आर्टिकल लिखना होता है, कौन तैयार है आपको, कौन तैयार करना है। मेरे हिसाब से आपको दोस्तों गेम्स पर तैयार करना है, ठीक, गेम्स पर, स्पोर्ट पर, ठीक, आपको तैयार कौन करना है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर तैयार करना है, ठीक, पॉलिटिक्स पर आपको तैयार करना है,
है ना, और रीजनिंग प्राइस पर आपको तैयार करना है। आपको दोस्तों तैयार कौन करना है, ठीक है, तो रीजनिंग प्राइस पर तैयार करना है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स पर आपको तैयार करना है, स्पोर्ट्स पर जितने भी हैं, ठीक। अब बात की जाए दोस्तों आर्टिकल कौन सा आपको तैयार करना है, जैसा कि 10 नंबर अगर आपको पक्का करना है ना, रीजनिंग प्राइस पर तैयार करना है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम पर आपको तैयार करना है, ये दोनों में से एक ना एक हर बार पूछा जाता है, इसमें कोई बात कहने की नहीं, ये हर बार आता जरूर है दोस्तों। आपको कौन याद है, जो याद है वो भी सही है, आप जो तैयार किए ना उसको भी रिवाइज जरूर कर लेना दोस्तों। मेरे हिसाब से ये दो बार अगली ही बार पूछा गया 2023 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पर पूछा गया है, कई बार 10 नंबर में आता है, ठीक। तो 10 नंबर यहां से पक्का, 10 नंबर यहां से पक्का, 10 10 20 और 20 और 15 कितना होता है दोस्तों, 35, मतलब आप पासिंग मार्क्स से ऊपर है, ठीक। पास 33 का होता है, जैसा कि आप पास ऊपर हो मतलब, ठीक, इतना तो पास के लिए। अब बात किया तो सेक्शन सी के अंदर क्या है, ग्रामर के अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है दोस्तों ग्रामर के अंतर्गत, मतलब सेक्शन डी में, सेक्शन सी में क्या होता है, ग्रामर के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जैसा कि 5 क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर रहता है, 10 नंबर यहाँ से होता है, है ना, सिनोनियम से, एंटोनियम से, डायरेक्ट स्पीच है ना, इनडायरेक्ट स्पीच है, करेक्ट द सेंटेंस, मतलब कोई एक सेंटेंस गलत लिखा जाएगा उसको सही करना होगा, हिंदी टू इंग्लिश, मतलब है ना हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश में चेंजिंग करना है, तो मुझे पता है आप तो हिंदी इंग्लिश सही नहीं कर पाओगे, मुझे पता है ना तुम नहीं कर पाओगे, अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो मुझे पता होगा भाई, हिंदी से इंग्लिश बदलने में कठिनाई तो होता ही होगा, करेक्ट द सेंटेंस इसको भी नहीं कर पाओगे, इनडायरेक्ट स्पीच भी अगर आपको सही नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट स्पीच अगर आप सही नहीं पढ़े तो नहीं कर पाओगे, एंटोनियस अगर आपको सही से आता है, इसीलिए मैंने वीडियो डाल रखी है, मेरे चैनल में पढ़ी है, मेरे चैनल में पढ़ा है, देख सकते हो, है ना, अगर आपको एंटोनियस एंटोनियस आता है तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, बाकी आपके नहीं हो पाएंगे, डायरेक्ट स्पीच आप नहीं कर पाओगे, इनडायरेक्ट स्पीच आप नहीं कर पाओगे, करेक्ट द आंसर सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस नहीं कर पाओगे, मुझे पता है हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी लिखा है इंग्लिश में चेंज नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, अगर आपको आता है तब तो अच्छी बात, लेकिन मुझे लमसम ये पता है लड़के कुछ कमजोर जरूर होते हैं इंग्लिश में, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संबंधी सब पूछा था दोस्तों। अब रही बात क्या इसको हम तैयार करें, कहने का मतलब ये कि आपको कहने का मतलब क्या है, है ना, तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप इन सब टॉपिक को नहीं तैयार करना, मतलब बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, ठीक, जाने दो 20-30 नंबर जितना भी हो गया, कितना नंबर होगा, 30 नंबर होगा, जाने दो नंबर, 30 नंबर नहीं सही हटाओ, है ना, सेक्शन सी आपका ग्रामर जितना भी है 30 नंबर के अंदर, 20 नंबर का होता है, मान लिया 10 बढ़ा दो 30 नंबर, जान दो गड्डी, ठीक, 30 नंबर की तरफ आपको नहीं देखना है। बात किया सेक्शन डी के अंदर का, आपको देखना है प्रोज में दोस्तों 15 नंबर में पूछा जाता है, 15 नंबर में भाई, प्रोज में 15 नंबर कैसे आता है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन रहता है, जैसा कि 4-4 नंबर का, 200 को हुआ 8, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर का, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 7 15, इसीलिए दोस्तों प्रोज में 15 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपको प्रोज जितने क्वेश्चन है अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप लिख देना, 15 नंबर उठा सकते हो। मान लिया प्रोज में भी आपको नहीं आता, चलिए छोड़े, है ना, प्रोज में भी आपको नहीं आता है, सप्लीमेंट्री रीडर से संबंधित दोस्तों 15 नंबर पूछा जाता है, वही सर कंडीशन है, 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के 8 हो जाएगा, एक क्वेश्चन 7 नंबर में 8 7 15, वही कंडीशन इसमें भी है, है ना, इसमें भी आपको भाई प्रोज सप्लीमेंट्री में से आप किसी भी तरीके से 10 नंबर पक्के करने हैं, अपने हिसाब से ऐसा पढ़ो पक्का करना है, ठीक। अब बात कर जाए दोस्तों, बात क्या सेंटर आइडिया, सेंटर आइडिया 4 नंबर या 5 नंबर पूछा जाता है, आप कौन सेंटर आइडिया याद करना है, कम समय में कैसे नंबर उठाओगे, तो भाई मैं कहना चाहूंगा आपको वो सेंटर आइडिया याद करिए जो इंपॉर्टेंट है, और क्या है, माई मदर एट 66 ईयर्स, मैंने डाल दिया वीडियो ट्रिक के साथ कैसे याद की जाती है, मेरे ही चैनल में पड़ा हुआ है। दूसरा अगर आपको याद करना है तो एक थिंग आप ब्यूटी तैयार कर लेना, आप बस दो ही तैयार कीजिए, ज्यादा नहीं, दिमाग पर लोड नहीं देना है, अगर आपको और ही तैयार करना है, शक हो रहा है कि दोनों में से नहीं आए तो कीपिंग क्वाइट का जो तीसरा नंबर लेसन ना उसको थोड़ा सा याद करना है, मतलब 4 लाइन या 2 लाइन बस, बाकी आप 2 लेसन का माई मदर 66 है ना, और क्या है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दोनों अच्छे से मजबूती के साथ तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आपको तैयार करना है दोस्तों, यहाँ से आप 5 नंबर या 4 नंबर उठा सकते हो, ठीक, मैंने सब नंबर जोड़ दिया, जोड़ा सकते हो, मतलब आप पासिंग मार्क से ऊपर हो। ये दोस्तों मैं बताना चाहता था कि आप 4 टॉपिक केवल पढ़िए, मतलब आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ना है, लेटर पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, अनसीन पैसेज आपका पक्का रहेगा, प्रोज सप्लीमेंट्री से इसी तरीके से पढ़िए, कम से कम 20 नंबर बन जाए, मतलब 30 नंबर में होता है, किसी भी तरीके से आपको करना सिस्टम 20 नंबर तो आपके हाथ में आ ही जाए, तो आप अच्छे परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो, मतलब सेक्शन सी की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तब तो अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा अगर आपको आता नहीं ध्यान दो, अगर आपको आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है ना, सेंटेंस को इधर उधर करना है ना, अगर आपको आता है हिंदी टू इंग्लिश तो आप इस पर फोकस दीजिए, मतलब फिर रिवाइज करना शुरू कर दीजिए,
नहीं, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है इसमें ना, तो उसको छोड़िए, बाकी आप पकड़िए ज्यादा नंबर वाले, जैसे लेटर है, आर्टिकल है, ठीक, ये सब तो 10 नंबर के हैं। अनसीन पैसेज एक बार रिवाइज कर लो, है ना। अनसीन पैसेज में मैंने क्या बोला, कोई बता नहीं पाएगा आप लोग को, कोई भी मास्टर आपको अनसीन पैसेज करवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज कुछ पक्का नहीं कहाँ से आ जाए, है ना, अलग से दे दिया जाता है। अनसीन पैसेज तर्क शक्ति बुद्धि है, इसीलिए आपका 15 नंबर पक्का रहता है, आपको हेयर के केवल लिखना रहता है उसी में से बस, है ना। जैसा कि मेरा कहना समझ गए दोस्तों, सेंटर आरटी आपको जरूर याद कर लेना है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, और माई मदर स्टेसिक। अब आपको किसी भी प्रकार किसी विषय में दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ। तो कल मिलते हैं फिजिक्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।